गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू एमआरएस इंदौर। वी आर रीडिंग चैप्टर A11, इफ आई वर यू। ये इंट्रोडर है वो मिस्टर गिराल से कहता है ना, घुसपैठिया है ना इसमें हमारे प्ले में। तो इट्स बी हाइव, इट्स योर टेक्स्ट बुक बी हाइव, इंग्लिश क्लास 9। We already read its part first and today we will read its part second, means हमने इसको divide किया था दो part में, काफ़ी बड़ा था इसलिए। तो आज हम यहाँ से करेंगे start। Open your textbook page number 142, okay? First पेरा introduction से लेंगे हम। तो थोड़ा सा इसमें हम जो part first का है उसको समझ लें, क्योंकि इसमें introduction है वो जो है मिस्टर गिरार की जगह लेना चाहता, क्यों ऐसा क्यों सोचा उसने, क्योंकि वो उसके जैसा दिखता है और वो ये चाहता है कि मैं मिस्टर गिरार की पहचान ले लूं, इनको मारकर उनकी जगह मैं फिर जीऊं अपनी ज़िंदगी, तो ताकि मुझे मिस्टर गिरार के नाम से पहचान मिल जाए और फिर मैं एक आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकूं। क्योंकि ये पुलिस से भागा हुआ है ना, पुलिस को इसने मार दिया था ना, तो ये भागा हुआ है, तो पुलिस से बचने के लिए यहाँ इनके कॉटेज में घुस गया है। अब इसने गन तान रखी है, किस पर? मिस्टर गेराल पर। ओके, तो अब देखिए क्या कहता है। आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, मतलब ये आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गेराल, सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक लाइक। ये कहता है वो इंट्रोड्यूसर मिस्टर गेराल से। एंड नाउ आई नो दैट पॉश स्टफ कम्स इजी, दिस इज मिस्टर विंसेंट चार्ल गेराल्ड स्पीकिंग। ऐसा ये उसका मतलब पेंटोमाइम ऑफ फॉर्निंग करते हुए ये बता रहा है, उसकी मतलब पेंटोमाइमिंग कर रहा हूँ, मतलब एक तरह से उसका कॉपी करना, उसकी नकल करना, किसके? मिस्टर गेराल्ड की। तो अब देखिए ये कह रहा है कि मेरे पास हर एक चीज़ का रीज़न है ना, कह रहा ना ये फर्स्ट लाइन में, आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न। तो विंसेंट चार्ल्स गेराल्ड बन जाऊंगा मैं, ओके okay? मतलब अब मैं बनने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गेराल्ड। मैं अब देखिए मैं अब विंसेंट गेराल्ड बनने जा रहा हूँ। सी आई हैव गॉट टू नो, आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक लाइक, मतलब मुझे ये जानना है कि वो कैसे बात करते हैं। तो मैंने ये जान लिया, मतलब नो आई नो, अब मैंने ये जान लिया है दैट पॉश स्टॉप कम्स इजी। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब तो मेरे पास आसानी से अब आ जाएगी। जैसे कि दैट पॉश स्टॉप का मतलब होता है पॉश जो होता है ना उच्च वर्ग, जिसको हम कहते हैं हायर सोसाइटी, तो ये कह रहा अपर क्लास जो कहते हैं हम। तो ये जो पास स्टॉप है, जो ये सारा जो उच्च श्रेणी का जो है स्टॉप कम्स इजी, आसानी से आ जाए आता है। दिस इज मिस्टर विंसेंट चार्ल्स गेराल्ड स्पीकिंग। अब ऐसा करते हुए वो बता रहा, मतलब एक कॉपी कर रहा, किसकी कॉपी कर रहा है? मिस्टर गेराल्ड की इंट्रोडर है वो। तो ये पैंटोमाइम का मतलब ही है कॉपी करना, आप फोन मतलब कैसे वो जो फ़ोन कर रहा था वैसे फ़ोन करते हुए, इन इमिटेशन मतलब कॉपी, कल्चर वॉइस, कल्चर वॉइस मतलब वही सभ्य भाषा बोलना, जिसको सोफेस्टिक जो है परिष्कृत वॉइस में मतलब आवाज़ में, क्योंकि ये सीख गया उसको देख कर। एंड दैट्स नॉट ऑल, ही
ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा हुआ, गेट अप अ मिनट, मतलब वो मिस्टर गेराल से कहता है ऐसा, मिस्टर गेराल खड़े हुए, नाउ टेक अ लुक एट मी, और अब देखो आप मेरी तरफ, ऐसा उसको कहता, नकल करते हुए उनकी। तो मिस्टर गेराल, अब गेराल कहते हैं ये प्ले है ना, मिस्टर गेराल यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, तुम इतने सुंदर या मतलब मेरे जैसे इतने बढ़िया नहीं हो मेरी तरह, ऐसा इनको कहता है ये गेराल। मिस्टर गेराल कहते हैं इंट्रूडर, नो वेल दैट गोज फॉर यू टू, आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ इट। देखो अब ये कहता है कि तुम्हारे बारे में सच है ये, जैसे तुम है ना ये बताते हो कि जैसा मैं दिखता हूँ, मतलब तुम दिखते हो तो वैसा मैं भी दिखूँगा, तो देखो ये देखो सिर्फ तुम्हारी तरह चश्मा पहनना है मुझे अब, तो ये फिर क्या करता है, फिर उसकी तरह सिर्फ चश्मा पहनना है तो इसकी तरह चश्मा पहनता, और फिर कहता है एंड आई विल बी इनफ लाइक यू, और मैं तुम्हारी तरह दिखूंगा बिल्कुल, और कहता है लाइक यू टू गेट अवे विथ इट, और मैं सजा से बच जाऊंगा, ठीक है। तो फिर मिस्टर गैराल्डिस से कहते हैं कि व्हाट अबाउट योर क्लॉथ, देयर दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल, तो अब ये कह रहे लेकिन तुम्हारे कपड़े मेरे जैसे नहीं है, उसके बारे में क्या, तो ये कह रहे हैं कि यदि तुम ने ध्यान नहीं दिया तो तुम पकड़ जाओगे। तो ये एंट्रोडर कहता है दैट्स बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन, हाँ वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कहता है कि जो तुम्हारे कपड़े हैं वो मुझे फिट बैठने हैं, तो जो कपड़े पहनूँ पहन लूँगा तुम्हारे वो मुझे फिट बैठेंगे, मतलब ये कह रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें मार के तो वो कपड़े मैं पहन लूँगा, वो कपड़े तो मुझे फिट बैठते हैं। मिस्टर गेराल्ड फिर कहते हैं दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बट यू सेम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, है ना, ऐसा ही है मिस्टर गेराल्ड इसको कहते हैं आई सेड यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन, इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, यू वोंट किल, यू वुल नॉट, मतलब यू विल नॉट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन, तुम मुझे एक बहुत अच्छा कारण है जिसके कारण तुम मुझे मारोगे नहीं, ऐसा कहता है ये इसको इंट्रोड्यूस, मतलब तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझे, मैं यह कहना चाहता था कि जिसने भी ड्रामा जो मूवी होती है ना, जितने भी जो उसमें जो विलन होता है, विलन होते हैं, तुम उस से लकी हो, ऐसा मैंने कहा था, है ना। अब ये कहते हैं कि मेरा यह मतलब नहीं था, कि मैं यह कहना चाहता था हूँ कि जो तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो तुम किसी कारण के बिना तुम मुझे मारोगे नहीं, तो मैं यह इंट्रोडर कहता सो देस व्हाट यू थिंक, है ना। तो इंट्रोडर उससे कहता है कि अच्छा तुम यह सोचते हो कि अगर मेरे पास कोई रीज़न नहीं होगा तो मुझे तुम्हें मारने नहीं चाहिए, ऐसा ही है उसको कहता है। तो मिस्टर गेराल्ड इसको कहते हैं यू लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिड नॉट शूट सूनर, मिस्टर इसको गेराल कहते हैं, गेराल ने इसको कहा कि और शुक्र है ना कि शुक्र है कि ये जो है
तुमने अभी तक मुझे मारा नहीं, ऐसा शुक्र करता है उसको। तो एंट्रोडर उनसे कहता है, एंट्रोडर ओके, हम थोड़ा सा आगे चले इससे, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। ओके ओके कम ऑन, ओके हो, सो दिस थिंग हो गया। ओके तो हम देख रहे हैं अब इतना कन्वर्जेशन हुआ है इनके बीच में, सो दैट्स यू थिंक, तो ये इनसे ऐसा कहता है, भगवान का शुक्र है कि तुमने अभी तक मारा नहीं, लेट मी गो एंड थैंक गॉड डिडन शूट सूनर। और इंट्रूडर उनसे कहता, कम ऑन वाज ऑन योर माइंड, है ना, तुम यह बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बेटर बी क्विक जल्दी, दिस कन्वर्जन बोर मी, ये जो तुम हमारे बीच में जो बात हो रही है ना, ये मुझे, मैं बोर हो रहा हूँ इससे। तो गेराल, जो गेराल कह रहे हैं ना, इसको योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टैकिंग ऑन माय आइडिया, उससे तो तुम बस यह चाहते हो कि तुम जो एल्यूड मतलब स्कैप होता है ना, बचना पुलिस से, हम हाईलाइट कर देते हैं उसको, उसको पुलिस से बचने की बात कर, एल्यूड मतलब टू एस्केप भी कह सकते हैं हम, टू एस्केप द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माय आइडेंटिटी। तो ये जो क्या, ये यही तो चाह रहा था कि इसको मार दे और उसकी आइडेंटिटी ये चुरा ले। तो ये क्या, बस तुम बस ये चाहते हो कि तुम जो है पुलिस से बच सको और इसलिए तुम मेरी पहचान चुराना चाहते हो। तो ये कहता है, यस आई लाइक द आइडिया मिस्टर गयाल, इसको कहते हैं, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, तो ये कह रहे, क्या तुम्हें इस बात का पक्का पता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो पुलिस से बच जाओगे। आप ये कहता है एंट्रोडर, इस नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने सब प्लान किया हुआ है, आई डिड अ जॉब इन टाउन, में कहाँ काम करता था, टाउन में, शहर में, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल अ कॉप, है ना, कुछ गलत हुआ और मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया। ओके क्या करा, एक पुलिस वाले को मार दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, डॉज मतलब होता है एस्केप, बचना पुलिस से, तभी से मैं पुलिस से बचते भागा फिर रहा हूँ। ओके ऐसा इसका कहने का मतलब, ठीक है, तो तब से ही पुलिस से भाग रहा हूँ, ऐसा ये कहता। और मिस्टर गयाल कहते, एंड दिस इज वेयर डोजिंग हैज ब्रॉट यू, अब ये कहता है कि और भागते भागते आज तुम मेरे कॉटेज मतलब मेरे जो रहने की जगह है तक पहुंच गए। अब ये इंट्रूडर इनको कहता है, आई बोट मी टू एलिसबरी, एलिसबरी के स्थान है ना, वहाँ का ये कह रहा है कि मैं पुलिस से भागते भागते एलिसबरी है ना पहुँचा, जहाँ पर मैंने, दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, आई एंस्ट मतलब मैं आई लिसन इट टुक्स लाइक यू आर अ बिट क्योर मतलब स्ट्रेंज मतलब कुछ अजीब अजीब लगना है ना, क्या लगना, कुछ अजीब लगना, ये मैं हाईलाइट कर दूंगा, अ बिट कुछ अजीब लगना, काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, तो एक अजीब व्यक्ति लगे मुझे। तो ये ऐसा कह रहा बोस, मैं पुलिस से भागते भागते एलिसबरी पहुंचा, जहाँ पर मैंने तुम्हें देखा, वहाँ पर दो लोग है ना तुम्हारी जो बातें कर रहे थे और
जैसा लगा, ऐसा लगा कि तुम थोड़े अजीब व्यक्ति हो, ऐसा तो ऐसा इसने कहा। अब मिस्टर गेराल कहते, आ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। अब ये कह रहे उसको कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वह मिस्ट्री है मेरे बारे में, जो वह मिस्ट्री है वह मेरे बारे में है जो लोग बता रहे थे। इसको इंट्रूडर को कहा, पर ये क्या कर रहा है इंट्रूडर? डिसरिगार्डिंग है, मतलब उसको उस पर ध्यान नहीं दे रहा है जो वो बताना चाह रहा है मिस्टर गेराल्डिस को। यू फोन योर ऑर्डर एंड समटाइम यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम। दोज आर जस्ट द थिंग्स, ओके, दोज आर जस्ट द थिंग, जो है ऐसा इसको कह रहा है, जस्ट जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू। है हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स। देखिए अब यहाँ ये कहता है कि ये सब जानने के बाद ये मेरा लकीस्ट ब्रेक जो था, ऐसा कह रहा है। अब ऐसा इसने इसको कहा कि ये कहता है कि यू फोन यू ऑर्डर, है ना, कभी तुम फोन करते हो, कभी तुम यू गो अवे सडनली, कभी अचानक चले जाते हो, कभी वापस ही आ जाते हो अचानक। तो ये जो दीज आर जस्ट थिंग्स, ये जो बात है ना, मैं तो यह सब करना चाहता हूँ जब तुम, मुझे यह पता चला कि यह न्यूज़ मेरी जो है सबसे अच्छी और लकी थी, ये जो बात, ये जो मैंने सुना। तो अब ये कहता है, हेयरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक। अब मिस्टर गिराल जो है, अपेरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंट टू आस्क वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। अब ये ऐसा उसको मिस्टर गिराल्ड इसको पूछ रहे हैं, है ना, ये जो बात है ना, इसके लिए, क्योंकि ये अब उसको ये कहता है, तुम में इतनी बुद्धि नहीं है कि यह जानने की कि मैंने अपने आसपास, मतलब ये क्लॉक ऑफ मिस्ट्री का कह रहे हैं, लबादा जिसको आसपास इतना मिस्ट्री का क्लाउड है ना, क्लॉक मतलब आउटर आउटर कवर, जो आसपास का क्लाउड जो तैयार किया है, मिस्ट्री का क्लाउड क्यों बनाया है। तो ऐसा मतलब तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की, ऐसा इसका कहने का मतलब है मिस्टर गिराल का। तो एंट्रोडर इसको कहता है, प्रिपेयरिंग टू शॉट, अब दे प्रिपेयरिंग टू शूट का मतलब ये बिल्कुल तैयार। अब वो उसकी बात ऐसा क्या कहा, मतलब तो थोड़ा नाराज होते हैं, एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्जेशन बोर मी, है ना, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि ये कन्वर्जेशन से मैं बोर हो रहा, है ना, बोर करता है, तो बिल्कुल उसको गन उसकी तरफ करते हुए, मतलब मारने के लिए बिल्कुल तैयार, ऐसा। तो मिस्टर गिराल उसको, डोंट बी अ फूल, इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स गेराल। अब बेवकूफ मत बनो, अगर तुम गोली चला दोगे तो भी, अगर तुम अपनी पहचान से, है ना, अपनी पहचान की वजह से नहीं पकड़े जाओगे तो भी विंसेंट चार्ल्स गेराल की पहचान से पकड़े जाओगे। हैं, व्हाट इज दिस, ऐसा कहता हूँ। ओके, अब हम देखते हैं। अब ऐसा मिस्टर गेराल से इंट्रोडर कहता है, व्हाट इज दिस, है ना, ये क्या बात है, ऐसा कहता तो थोड़ा सरप्राइज हो गया वो, मतलब ये क्या बात है, ऐसा क्यों। तो मिस्टर गिरार उसको कहते हैं, ओके, तो दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है जो आई सेड यू वुडन किल मी एंड आई वॉज राइट, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे मारोगे नहीं और मैं सही था।
Why do you think I am here today and gone tomorrow? Never see trace people. You say my habit would suit you. You are a crook, है ना? You are a crook. Crook का मतलब होता है बुरा व्यक्ति, है ना? ठीक है, crook means यहाँ पर होता है ना बेड कैरेक्टर वाला, तो चीट करने वाला, जिसको आप कह सकते हैं जो लोगों को चीट करता है, तो उसका क्या? यू आर अ क्रूक. डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर? हाँ, तो ऐसा उसको कहता है, क्योंकि इसने पूछा व्हाट इज दिस, तो ये उसको अगर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा है ना, सॉरी अब मेरे पास, दिस इज योर बिग सरप्राइज का मतलब है अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, है ना, तुम मुझे नहीं मारोगे. तो मैं सही था, इट वॉज, है ना, एंड आई वॉज राइट, तो मैं सही था. और विंसेंट उससे कहता है कि वह, है ना, कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये इतना मिस्टीरियस है, कभी कभी आता है कभी चला जाता है, और अगर तुम एक क्रूक, है ना, क्रूक हो, तो तुम्हें लगता है कि मेरा जो तौर तरीका है वह तुम्हें सूट करेगा, तो मैं एक क्रूक नहीं हो सकता, ऐसा इसको कहता है. और तुम्हें क्या लगता है, है ना, कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मतलब एक मैं बहुत ऑनेस्ट पर्सन हूँ क्या? तो ये कहने का मतलब ही इसका है कि मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूँ, यूं, ऐसा कहने का मतलब इसका. ओके, तो हम आगे पढ़ते हैं. द गेम अब एज फार एज आई एम कंसर्न थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, जो है वो जो पूरा बात खुल चुकी है, बात पूरी खुल चुकी है. द गेम्स ऑफ एज फार आई एम कंसर्न, है ना, कनेक्टेड मतलब है कंसर्न का मतलब यहाँ पर. थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, कुछ जो बात है वो मेरे साथ गलत हुई, है ना, बैक साइड मतलब पीछे पास्ट में. I said it with bullets, yeah, I said it with bullets and got away. Unfortunately, they got on of my men, है ना, मेरा एक व्यक्ति था उससे. And found things the fool should have burned. Tonight I am expecting trouble. My bags packed, ready to clear off. There it is. तो अब इसको इतनी सारी बातें उसने बता दी. क्या ये कि अब ये सारी बात खुल चुकी है, और ये कह रहा है मैंने भी बुलेट चलाई, मतलब I said it with bullets, मतलब इसका यहाँ पर ये कहने का मतलब है इस वर्ड का, I said it with bullets, मतलब बुलेट को कहा नहीं है इसका है, मतलब मैंने भी गोली चलाई है, है ना, मैंने भी मर्डर किया है किसी का. अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, दे ये कह रहा है कि मैंने भी गोली चलाई है, ठीक है, किसी का मर्डर किया है, तो मैं भाग निकला वहाँ से, परंतु मेरा एक जो साथी जो था ना, जिसने पुलिस को कुछ सबूत दे दिए, उसके पास ऐसी चीज़ें थी जिससे उसे नष्ट कर देना चाहिए था, ठीक है, क्या करना है, वो जो एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न, मतलब उसको जला देना चाहिए था, नष्ट कर देना चाहिए था, पर उसने नहीं किया. वह इतना बेवकूफ था कि उसने ऐसा नहीं किया. और अब देखो, और अब मतलब टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और अब मैं समस्या जो है और वो सब सबूत जो है पुलिस को उसने दे दिए, तो जिसकी वजह से पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, अब मुझे चिंता है, अब मुझे ये मैं ट्रबल में हूँ कि मेरे अब मैं मुसीबत में
पढ़ सकता हूँ, इसलिए मैंने अपना बैग पैक कर लिया है। बिल्कुल, तुम देख सकते हो यहाँ से भागने के लिए ऐसा इसको इसको जो है गेराल्ट सब बताता है। अब कहता है इंट्रोडर, है ना, इट्स अ बैग ऑल राइट, है ना, एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस। अब ये कहता है कि वो इंट्रोडर उसको कह रहा है, अब दे देखो यहाँ धीरे धीरे वो जो मिस्टर गेराल्ट अपनी बातों में इसको ला रहे हैं, मतलब जो एक तरह से जाल फैला रहा है कि इससे कैसे बचा जाए। तो अब इंट्रोडर धीरे धीरे आ गया उसकी बातों में। देखो यहाँ पर ऐसा अब बैग ऑल राइट, ये बैग है, एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, ये मेरे हाथ में जो है गन है, ठीक है। व्हाट ऑल दिस, मतलब जो बैग रखा हुआ था ना उसमें उसका बता रहा है, वो सब सामान है उसके बारे में पूछ रहा है। तो मिस्टर गेराल उससे कहते हैं, दैट्स अ डिसगाइज आउटफिट, आउटफिट मतलब जो पहनने के होते हैं ना, डिसगाइज करने के लिए, मतलब किसी को धोखा देने के लिए, पहचान छुपाते हुए, जैसे कि क्या क्या है डिसगाइज आउटफिट, मतलब फॉल माउस टेस्ट एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी। तो ये सब क्या है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब क्या है, वेश बदलने का सामान है ये सब जो है, और मैं ये सब पुलिस से बचने के लिए ही तो कर रहा हूँ, तो नाउ डू यू बिलीव मी, ऐसा उसको पूछता मिस्टर गेराल्ट। तो एंट्रोडर उसको कहता है ना, म्यूजिंगली का मतलब है कुछ थॉटफुल, सोचते हुए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, है ना। अब ये कहता है गेराल्ट, फॉर गॉड सेक क्लियर दैट मॉडल, दैट मॉडल मतलब ये जो कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज हेड मतलब कंफ्यूज हो जाता है ना, तो ये भी अब कंफ्यूज हो गया, कौन इंट्रूडर, हेड योर हेड ऑफ योर एंड लेट्स गो। तो उसको मिस्टर केराल कह रहे हैं कि लेट्स गो, कम विद मी इन द कार, आई कैन यूज यू इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन। देख, अब उसको ये भी विश्वास दिला रहे हैं मिस्टर केराल कि देखो ये जो है ना, ये सब छोड़ो भागने के लिए, है ना, उसने ये जो सामान बताया था वो सब छोड़, अब वो कहता है कि वो सब छोड़ो और मेरी बात जो है मान लो, आओ मेरे साथ, ठीक है, कार में भागते हैं, अगर तुम्हें लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम्हारे पास तो गन है, तुम मुझे मार सकते हो, ओके। तो ये यहाँ पर ऐसा कहता है उसको, ठीक है, इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम मतलब मैं झूठ है, मतलब मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ जाल में, तो तुम्हारे पास तो गन है तो तुम मुझे मार दोगे, ठीक है, स्टिल गॉट योर गन मतलब तुम अपनी गन लिए हुए अभी भी तुम्हारे पास में है। तो अब देखिए यहाँ पर हम जो पिक देख रहे हैं ना, इसमें ये गन है इसके हाथ में, ये इंट्रूडर को अंदर पुश किया है, गन है, और ये मिस्टर गेराल्ड है। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है, मे बी यू आर राइट, है ना, शायद तुम सही कह रहे हो, देन डोंट वेस्ट टाइम, अब गेराल्ड कह रहे, तो अब समय हम क्या नहीं करें, वेस्ट नहीं करें, गोस एंड पिक्स अप दैट एंड बैग, है ना, हेट एंड बैग, अब उठा लिया इंट्रूडर, इंट्रूडर जो है केयरफुल बॉस, है ना, सावधान कर रहा हूँ, आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ऐसा ये गन है ना, ये गन इसको इसकी तरफ इन किए हुए है, मतलब उसकी तरफ गन पॉइंट पे लिया हुआ मिस्टर गिराव का इंट्रूडर, ठीक है, हाँ, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। अब मिस्टर गिराल जो है वो कहते हैं,
I have got a man posted on the main road. He will ring up if the see the go to next page please. See, ये कह रहा है कि मैंने एक व्यक्ति को वहाँ पर पोस्टेड मतलब पदस्थ किया हुआ है मेन रोड पर. ही विल रिंग अप, वो फोन करेगा इफ ही सी द पुलिस, यदि वो पुलिस देखता है तो वो हमको फोन करेगा. बट आई डोंट वांट टू लीव, है ना, बट आई डोंट वांट टू लीव. टेलीफोन बेल रिंग्स, ओके कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, थ्रो हियर स्ट्रेट टू द गैरेज, है ना. उसको आप कहता कि कम ऑन चलो, है ना, दे आर आफ्टर अस, वे सब हमारे ही तो हैं, हमारे ही लोग. थ्रो हियर, किधर से, इधर से आओ, स्ट्रेट टू द गैरेज, गैरेज से चलते हैं. और वो कहता है गैरेज से होते हुए चलते हैं हम, है ना, मतलब मेन डोर से नहीं जाते हुए हम बैक साइड का दरवाजे की बात की थी ना उन्होंने, हम पार्ट फर्स्ट में उस दरवाजे की बात, तो गैरेज के दरवाजे से चलते हैं. तो इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, हैं, तो मैं कैसे मान लूँ कि तुम जो है ना, मैं कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूँ कि तुम सच बोल रहे हो. और गेराल के ताक को, ओ डोंट बी फूल, लुक फॉर योर सेल्फ, है ना, तो ओ बेवकूफ मत बनो, है ना, जाओ खुद जाकर, है ना, खिड़की में बाहर जाकर देख लो. अब ऐसा कहता है, उसको थोड़ा विश्वास में लिया है यहाँ पर मिस्टर गिराल ने कि तुम ओ डोंट बी फूल, लुक फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ही जाके खिड़की में जाके देख लो. अब गेरा, तो गेरा जो है ओपन डोर, वो दरवाज़ा खोलता है एंड स्टेप्स अवे, थोड़ा सा स्टेप अवे हो जाता है, दूर हो जाता है. इंट्रूडर लीन, लेंस मतलब होता है लीन फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड मतलब उसमें देखता है ना, वहाँ पर झुकता है, थोड़ा झुक के देखता है उसके अंदर दरवाजे, ठीक है, तो वहाँ देखता है जैसे, तो लीन फॉरवर्ड टू इन टू इंस्पेक्ट इट, मतलब उसको जैसे कि इंस्पेक्ट करते हैं ना कि हाँ ये ठीक ठाक है कि नहीं, जो बोल रहा है वो सही बात है कि नहीं, तो इंस्पेक्ट करते हुए, तो विद हिज साइड टूवर्ड्स गेराल्ट, उसके साइड में गेराल्ट था, बट विद द रिवॉल्वर रेडी, रेडी का मतलब है कि उस पर फिर भी उसने जो रिवॉल्वर है वो किसकी तरफ झुका, उधर अंदर देखने के, लेकिन गन गेराल के ऊपर ही तानी हुई थी, तो ये जो ऐसा करके गन तानी हुई थी, तो क्या करा है मिस्टर, एज ही टर्न हिज हेड, जैसे उसने उसका सिर उधर मोड़ा किधर झांकने के लिए, और गन तो इस गेराल पर ही इनकी हुई थी, तानी हुई थी, तो गेराल गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबोर्ड. कबोर्ड मतलब वो जो एक्चुअल में वो जो दरवाज़ा गैरेज का नहीं था, बाहर जाने का, वो एक अलमारी का अलमीरा होती ना, उसका दरवाज़ा था कबोर्ड अलमारी का. नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, अब उसके वो जो उसने इसके तरफ कर रखी थी ना गन, ही स्लैम्स द डोर एंड लुक लॉक इट. स्लैम्स का मतलब होता है उसने क्या करा, ही स्लैम द डोर जो है शट कर दिया उसको जो डोर है. अब नॉकिंग द रिवॉल्वर जो है वो मेकिंग समथिंग फॉल, मतलब उसको क्या करा, वो जो गन थी ना उसको पुश किया तो वो गन इसके हाथ से गिर गई थी, और इसने क्या करा मिस्टर ग्राल ने तुरंत ही वो दरवाज़ा, वो अलमीरा का दरवाजा कपबोर्ड था, वो एक्चुअली गैरेज का नहीं था, वो अलमीरा का था, तो उसको सेंस मतलब शट कर दें, शट द डोर एंड लॉक इट, और उसको लॉक कर दिया. पिक अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन, और वो जो उसकी रिवॉल्वर गिर गई थी ना उसके हाथ से, जो कि उसने उसके ऊपर गन पॉइंट कर रखा था उसको, तो गिर गई थी, तो उसने उठा लिया और कहाँ चला गया, फोन के तरफ चला गया. वेयर ही स्टैंड विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर,
है ना, गन उठा ली और फोन के पास चला गया, और गन किधर, आप मिस्टर गेरा के हाथ में गन आ गई, तो उसने वो जो कपबोर्ड था ना उसकी डोर तरफ ऐसा तानी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो निकल के आ जाए ना दरवाजा तोड़ के। तो रेड डोर, ये इंट्रूडर, अब उसको तो बंद कर दिया अलमारी में उसने मिस्टर गेराल ने। अब मिस्टर गेराल ने उसको बंद कर दिया और आ गए इधर, फोन उठाया, फोन है ना, देखिए उन्होंने फोन उठाया था। अब इंट्रूडर है जो है रिटेल डोर एंड शाउट लेट मी आउट ऑफ हियर। अब ऐसा वहां से उसको जो है रिटेल मतलब नोक करता है, उसको बंद कर दिया था अलमीरा में, तो वो वहां से नोक करता अंदर से दरवाजे को अलमीरा के, और चिल्लाता है लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो अब गेराल कह रहा है, फोन उठा लिया था इन्होंने, हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स। हैव द प्रॉप्स मतलब जो वो सामान होता है ना रोल प्ले में काम आता है, जैसे माउस के और भी कुछ भी वगैरह, ये जो रोल प्ले में काम आने वाली चीज़ें, तो उनको अब सॉरी बोल रहा था, सॉरी बोल रहा मिस्टर गेराल जो इनके साथ काम करने वाले लोग हैं उनको, कि मैं आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। रिहर्सल करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं किसी प्ले के लिए, वो आई हैव हैड अ स्पॉट अ बदर है ना, कुछ परेशानी आया, क्वाइट अमेजिंग मतलब फनी, आई थिंक आई पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले। लिसन कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सार्जेंट, सार्जेंट मीन्स यहाँ है पुलिस, ओके, टू कम अप हियर एट वंस, यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। है ना, जो सार्जेंट है उसके लिए कह रहा कि शायद वो कहाँ मिले तुम्हें, वो पब्लिक बार में मिलेगा। तो ये मिस्टर गिराल ने उसको अलमीरा में बंद कर दिया था। तो गिराल जो है उन्होंने वो फ़ोन किया अपने जो दोस्त है या जिस में रोल प्ले करते हैं उनके लिए ये सामान देने वाले थे, उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने समय पे तुम्हें रिहर्सल का सामान नहीं दे सका, और जो है आई हैड अ स्पॉट अब बदर मतलब थोड़ी सी परेशानी आ गई थी, क्वाइट अमेजिंग मतलब एक फनी सी जी, तो ऐसा कहता है फनी सी अमेजिंग, आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, मतलब ये जो सा इसके साथ जितनी घटना घटी ना, अब ये तो प्ले राइट था ना, तो नाटक लिखने वाला था ये तो नाटक लिखता है, तो ये कह रहा है कि जो भी घटना घटी है ना, तो आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, ये जो जैसा मेरे साथ अभी घटना हुई है, तो ये मैं क्या करूँगा अगली जो हमारी नेक्स्ट प्ले है ना, ये उसमें मैं डालूँगा, मतलब उसमें हम रखेंगे। लिसन कैन यू टेल आवर फ्रेंड, है ना, क्या तुम ये अपने दोस्त को बोल सकते हो, द सार्जेंट, सार्जेंट मतलब पुलिस है, टू कम अप हियर एट वंस, मतलब यहाँ वो तत्काल आए, यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम, मतलब अपने साथी को कह रहा है कि तुम शायद उसको कहाँ पर वो तुम्हें शायद पब्लिक बार में मिलेगा। तो सार्जेंट जो है उसके लिए कह रहा, तुम्हें सार्जेंट शायद कहाँ मिले, पब्लिक बार में मिल जाएगा, ओके। अब देखिए अब ये जो चैप्टर है डगलास जेम्स इसके ऑथर हैं, तो इस चैप्टर में देखिए किस तरह से मिस्टर गेराल्ड हैं, हम अगर ये इसका जिस जानना चाहें तो ये है कि एक यदि हम किसी मुसीबत में पड़ जाए तो किस तरह से अपनी सूझबूझ से बाहर निकलना चाहिए। तो जैसे मिस्टर गेराल्ड है ना, ने मुसीबत में अपनी समझबूझ से मुसीबत का सामना किया और मुसीबत से किस तरह से बाहर निकल आए। ओके गाइस, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। सो दिस इज द प्ले इफ आई वर यू, ओके, वी हैव डिस्कस इट, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।
Thank you guys. If you have any doubt, you can ask me in chat box. I will clear your doubt. Okay, have a nice day.